नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के टॉपिक करेंगे। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सिलेबस है जो किसी भी एग्ज़ाम में आप जो जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं सब में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, तब बैंक का एग्ज़ाम हो, तब आप यूपीएससी का भी दे रहे हैं तो सीसेट से रिलेटेड उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीपीसीएस का दे रहे हैं तब उसमें भी रीजनिंग का आता है आपका सीसेट का, चाहे किसी भी स्टेट का आप पीसीएस लेवल का पेपर दे रहे हैं, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी सीसेट का आपसे रीजनिंग का टॉपिक पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग रीजनिंग में डाइस कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? डाइस। डाइस है क्या? डाइस पता ही होगा, महाभारत में डाइस के ही वजह से पूरा महाभारत हो गया था। शकुनी मामा को तो जानते ही हैं, जो वो पासा फेंकते थे ना ऐसे, वही डाइस होता है। उसमें सरफेस की बात करते हैं, सरफेस, उसमें सरफेस होता है सिक्स। कितने सरफेस होते हैं? सिक्स सरफेस होते हैं। और खास बात क्या होती है उसमें, तो वन सरफेस ज्वाइंटेड अनदर फोर सरफेस। एक जो सरफेस होता है, एक जो सतह होता है, चार सतह से जुड़े होते हैं। जो सरफेस जुड़ा नहीं होता है, जैसे ये ब्लैक वाले का से जुड़ा ये नहीं है, तो ये इसका क्या है? अपोजिट है। तो डाइस में हमें अपोजिट ही फाइंड आउट करना होता है। बहुत सिंपल सा है, आपको डाइस में क्या करना होता है? अपोजिट ही फाइंड आउट करना होता है। बहुत सिंपल तरीके से आपको कराऊंगा, और ये गारंटी है मेरा कि आप अगर 10 मिनट का जो वीडियो बनेगा, 10 मिनट का वीडियो अगर आप पूरा देख लिए तो आपके डाइस, ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि डाइस का कोई भी क्वेश्चन 100% कर ले जाएंगे। तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। डाइस में अलग अलग टॉपिक होते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा, वन सरफेस कॉमन का रहेगा। पहला टॉपिक हमारा रहेगा वन सरफेस कॉमन। वन सरफेस कॉमन यानी एक सतह समान। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चे, एक सतह समान। अपोजिट फाइंड आउट करना होता है। शुरू करते हैं, जैसे आपके सामने टू डाइस दे देगा ऐसे कि भाई देखो ये दो डाइस हैं, और किसी भी एक नंबर का आपसे अपोजिट पूछ देगा कि भाई ये बताओ कि इसका अपोजिट क्या होगा, फाइव का क्या होगा, टू का क्या होगा, वन का क्या होगा, थ्री का क्या होगा, फोर का क्या होगा, कुछ का भी पूछ सकता है आपसे, सिक्स का क्या होगा, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं, वन सरफेस कॉमन। बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे ही आपके सामने दो डाइस दे दे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि दिए हुए डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही दो डाइस आपके सामने आए, सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि इसमें से कौन सा नंबर कॉमन है। सबसे पहला आपका काम यही करना है कि इसमें से कौन सा नंबर कॉमन है। अब बताओ इसमें कौन सा नंबर कॉमन है, दोनों डाइस में उठाओ, देखो कौन सा नंबर कॉमन है। तो भाई देखोगे आप इसमें फोर कॉमन है, दोनों में, इसमें भी फोर है और इसमें भी फोर है। तो सबसे पहला आपका काम यही होगा, जो कॉमन हो उसको यहां लिख दो, पहले वाले डाइस को उठा लो और कॉमन से क्लॉकवाइज मूव कर जाओ। जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, वैसे मूव कर जाओ। तो फोर के बाद अगर घड़ी के सुई के अनुसार चले तो फोर के बाद क्या आएगा बच्चे? फोर के बाद आएगा यहां पर आते हो तो टू। तो क्या लिखो? फोर के बाद यहां लिख दिया टू। टू के बाद कहां आएंगे बच्चे? क्लॉकवाइज जाओ तो क्या होगा? फाइव। ध्यान रखना, सबसे पहला काम क्या करना है, कॉमन को लो और कॉमन से क्लॉकवाइज मूव कर जाओ। कैसे करना है? कॉमन टू क्लॉकवाइज। दूसरे नंबर पर आ जाओ,
किस पर आना है, दूसरे नंबर पर आना है और फिर वही कामन को उठा लेना है। कामन क्या था? कामन था फोर। कामन क्या था भाई? फोर कामन था। कामन से उठाया और कामन टू क्लॉकवाइज मूव करना है। फोर से क्लॉकवाइज गए तो कितने पर पहुंचे भाई? सिक्स। किस पर पहुंचे? सिक्स। अब बताओ कॉमन टू क्लॉकवाइज जाना है, फोर के बाद सिक्स, किसके बाद कहां पहुंचेंगे भाई? बोलो वन। तो यहां लिख दिया वन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब बताओ फाइव के नीचे क्या है? वन। फाइव के नीचे क्या है? वन। तो फाइव का अपोजिट क्या हुआ? वन। फाइव का अपोजिट क्या हुआ? वन। और वन का अपोजिट फाइव। उसी तरह टू का अपोजिट क्या हुआ? सिक्स। या सिक्स का अपोजिट क्या हुआ? टू। अच्छा एक बात बताओ, सरफेस कितने होते हैं? सिक्स होते हैं ना भाई। तो यहाँ क्या क्या है? वन टू फाइव फोर सिक्स। कौन सा नंबर मिस है जो दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को? बोलो भाई क्या नहीं दिखाई दे रहा है? थ्री। तो जो कॉमन है उसका अपोजिट होगा थ्री। तो आपका रिजल्ट क्या बनकर आया? तो थ्री का अपोजिट फोर, फाइव का अपोजिट वन और टू का अपोजिट सिक्स। दैट सॉल्व। आया समझ में भाई? आ गया। अब तो कर लेंगे, एक क्वेश्चन और करा दूं। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों पर जब इतना कह रहे हैं तो एक क्वेश्चन और ले लो। चलो सेम प्रोसेस करते हैं, बस बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है। डाइस में आप लोगों को मास्टर बना दूं, बता रहा हूं, मास्टर बन जाओगे आप मास्टर। हो गया? बोलो बच्चे कॉमन क्या है? इसमें तो दो दो कॉमन है ना, हमें वन सरफेस कॉमन वाला भी लेना है। अभी वन सरफेस कॉमन पर ही हम फोकस करेंगे बच्चे, ठीक है ना, बाद में टू सरफेस आएंगे। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है? बोलो भाई। अभी तो बताया था कि जैसे ही डाइस आपके सामने आए, किसी का भी एग्जाम में आपसे किसी का भी अपोजिट पूछ देगा भाई, किसी का भी पूछ सकता है। तो करते क्या है, सबसे पहले क्या बताया था, कॉमन को लेते हैं और पहले नंबर वाले डाइस पर आओ। कॉमन क्या है बच्चे? बोलो भाई। कॉमन दिख रहा है ना दोनों में शामिल, टू। तो उठा लो आप टू को। किसको उठाना है? टू को। टू लिखा, बोल भाई, बोलते ही नहीं हो आप लोग। क्या लिखोगे? टू है ना। टू के बाद कॉमन टू क्लॉकवाइज चलना है। टू के बाद कहाँ पहुँचे? टू लिखा, टू के बाद पहुँचोगे सिक्स पर और सिक्स के बाद क्लॉकवाइज जाओगे, कहाँ पहुँचोगे? थ्री पर। देन इसके बाद सेकेंड डाइस पर आ जाओ, कॉमन को ही उठाना है। लिख दिया कॉमन टू, क्लॉकवाइज मूव करो, कहाँ पहुँचोगे? फाइव। क्लॉकवाइज मूव करो, कहाँ पहुँचोगे? वन। तो बताओ थ्री का अपोजिट क्या हुआ? वन। या वन का अपोजिट क्या हुआ? थ्री। बात समझ में आया? सिक्स का अपोजिट क्या हुआ? फाइव। या फाइव का अपोजिट क्या हुआ? सिक्स। बच्चे बताओ कौन सा नंबर मिस है? बोलो भाई। सिक्स सरफेस होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। तो आप देख रहे हो वन टू थ्री फाइव सिक्स, कौन सा नंबर नहीं है? तो नंबर नहीं है फोर। आ गया समझ में? तो कॉमन का अपोजिट मिस नंबर है ना, तो टू का अपोजिट फोर। आ जाओ लिख लेते हैं, वन का अपोजिट थ्री, टू का अपोजिट फोर, फाइव का अपोजिट बोलो भाई सिक्स। आ गया। अब तो हमें लगता है यहाँ तो गया ही होगा, आ गया होगा ना, आगे बढ़ जाए। बताते नहीं हो आप लोग। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वन सरफेस कॉमन हो गया, टू सरफेस कॉमन हो गया, हो गया अभी नहीं, अब आते हैं टू सरफेस कॉमन।
अब आते हैं टू सरफेस कॉमन पॉइंट। इजी है ये भी, बहुत आसान है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। लिख लो आते टू वन सरफेस कॉमन हो गया। सेकेंड नंबर हमें क्या पढ़ना होता है, टू सरफेस कॉमन। सेकेंड नंबर पर क्या पढ़ना है, टू सरफेस कॉमन। देखो दो डाइस क्या दिया रहेगा आपके सामने, टू डाइस दिए रहेंगे। जब भी आपके सामने डाइस का क्वेश्चन आए, टू डाइस को उठा लो और चेक कर लो डाइस में कॉमन कितने हैं। बस सिंपल तरीका है भाई। अगर वन सरफेस कॉमन है तो अभी अभी बताया था कॉमन टू क्लॉक वाइज मूव कर जाना है। अगर टू सरफेस कॉमन है तब क्या करना है, आइए देखते हैं। ये थ्री हो गया, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया, ये फाइव हो गया, ये थ्री हो गया, ये वन हो गया। चलो बात करते हैं इसमें कॉमन क्या है बच्चे, कॉमन क्या है। तो कॉमन आपको दिख रहा है फाइव और थ्री। क्या दिख रहा है कॉमन, फाइव और थ्री। तो सिक्स का अपोजिट बचा क्या, सिक्स और वन। तो सिक्स का अपोजिट हो गया वन। देखो बच्चे जब टू सरफेस कॉमन है तो दोनों कॉमन काट कर जो बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और यही एक ऐसा होगा जिसमें परफेक्ट होगा आंसर। अदरवाइज आइदर आर में आंसर आएंगे, बाकी के जितने के भी अपोजिट आपसे निकालना है इनको छोड़ करके सब आइदर आर में आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कॉमन का अपोजिट पूछ दिया, जैसे थ्री और फाइव कॉमन है, इनका अपोजिट पूछेगा तो जो मिस नंबर है, मिस नंबर वही अपोजिट होगा। एग्जाम्पल पर आ जाओ, थ्री का मान लो आपसे अपोजिट पूछा, किसका अपोजिट पूछा, थ्री का अपोजिट, किसका अपोजिट पूछा, थ्री का अपोजिट। अब बताओ एक सरफेस में यानी एक डाइस में कुल कितने सरफेस होते हैं, सिक्स होते हैं ना भाई, बोलो भाई होते हैं ना। तो कौन कौन से नंबर यहाँ दिख रहा है, देखो वन दिख रहा है, सिक्स दिख रहा है, बोलो भाई, फाइव दिख रहा है, थ्री दिख रहा है, क्योंकि थ्री का ही हमें निकालना ही है। दिख क्या नहीं रहा है, तो टू और फोर। तो थ्री का अपोजिट क्या होगा, आइदर टू और फोर। उसी तरह अगर आपसे फाइव का अपोजिट पूछा तो सेम यही आंसर होगा। अगर फाइव का भी अपोजिट पूछे तो सेम यही आंसर होगा, क्या होगा, आइदर टू और फोर। क्या किए इसमें, बस कुछ नहीं करना होता है। अगर कॉमन का अपोजिट पूछ दिया तो जो मिस नंबर है वही उसका अपोजिट होता है। अगर इस तरफ कंफ्यूजन है तो एक और तरीका बता दूं, बोलो, सिंपल तरीका है। करना क्या है, जैसे मान लो थ्री है, आपसे थ्री का अपोजिट पूछे तो थ्री के साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है, थ्री के साथ जुड़ा है सिक्स और फाइव। इसमें भी थ्री है, थ्री के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, वन और फाइव। फाइव तो ऑलरेडी लिख दिए वन। अब बताओ कौन सा नंबर नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, टू और फोर। तो यह लिख दिया टू और फोर। उसी तरह अगर फाइव का उठाना है तो फाइव ले लिया, फाइव के साथ क्या क्या है, सिक्स और थ्री। फाइव के साथ क्या क्या है, वन और थ्री। तो थ्री तो लिख चुके हैं, वन क्या बचा हुआ है, टू और फोर। तो सेम आया ना, बहुत सिंपल तरीका है भाई। आया समझ में, आ गया। तो जब भी टू सरफेस कॉमन होगा तो जो कॉमन है, दो कॉमन को काटने के बाद जो बचा है वो एकदम परफेक्ट आंसर वही होगा। अदरवाइज अगर कॉमन का अपोजिट पूछ दे तो जो मिस नंबर है वही होगा, वो आइदर आर में आएगा। ध्यान रखना है आपको, वो किस में आएगा, आइदर आर में आएगा। चलो भाई एक एग्जांपल और दे दे, आगे दे दे, चलिए बढ़ते हैं।
क्या कॉमन है? बोलो कॉमन क्या है? तो कॉमन है आपका 5 और 4। 5 और 4 क्या कर दोगे? कैंसिल कर दोगे। बचा क्या? 1 और 2। तो 1 का अपोजिट क्या हुआ 2। 1 का अपोजिट क्या हुआ 2। एकदम परफेक्ट आंसर यही है, 1 का अपोजिट 2। बाकी अगर मान लो आपसे जो कॉमन है उसका पूछ दिया तो मैं क्या बताया था अभी अभी, जो मिस नंबर है वही अपोजिट होगा। जैसे मान लो 5 है, अब देख लो ध्यान लगाओ कौन कौन से नंबर मिस है, सीधा सीधा जवाब दो, 6 नंबर ही होते हैं एक डाइस में। तो आप देख रहे हैं 1 है 2 है 4 है 5 है, क्या नहीं है? 3 नहीं है और 6 नहीं है। तो 5 का अपोजिट क्या होगा? आइदर 3 और 6। उसी तरह अगर 4 का अपोजिट पूछना हो तो 4 का अपोजिट वैसे ही करो, सीधा सीधा सिंपल सा करना। क्या है जो मिस है? तो मिस क्या है? Either 3 or 6, that solved। तो अभी हमने क्या पढ़ा, डाइस में 2 टाइप्स के डाइस को हमने डिस्कशन किया। क्या क्या किया है? तो 1 surface common, क्या किया? 1 surface common। दूसरा क्या किया? 2 surface common। 1 surface common हो गया, 2 surface common हो गया। 1 surface में हमने क्या बताया कि जब 2 डाइस दिए हों, 2 से ज़्यादा भी दिए हों, तो 2 डाइस उठाना, उसमें से चेक करना 2 surface common 2 डाइस में है। अगर 1 surface common है 2 डाइस में, तो क्या करोगे? सबसे पहले कॉमन टू क्लॉकवाइज, सिंपल सा तरीका है, कॉमन टू क्लॉकवाइज दोनों डाइस का करके जो जिसके ऊपर है वो उसका अपोजिट होगा, सिंपल सा फंडा है। अब 2 surface common में मैंने आपको क्या बताया कि दोनों कॉमन को काट दो और जो बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। उसी तरह 2 surface common में मान लो कॉमन का अपोजिट पूछ दिया तो जो मिस नंबर है इसमें आइदर आर में ही आएगा, ठीक है? समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचाइए। और लास्ट टाइप अभी इसमें बचा हुआ है, 2 टाइप्स के और बचे हुए हैं। एक तो बचा हुआ है नो एनी 1 surface common, जब कोई भी सतह समान न हो, एक तो ये बचा हुआ है, दूसरा ओपन डाइस बचा हुआ है। ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। जानने के लिए, अगला वीडियो आपको देखने के लिए इस हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, जो अभी तक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो हम इसका डालेंगे तो आपके पास खबर पहले पहुँच जाए। नमस्कार दोस्तों, इतना आप तैयार कर लो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक।